हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ लैक्मे रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन का। दिस इज़ द रोज़ पाउडर यू कैन सी, और साथ ही इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। 160 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है, विच इज़ वेरी गुड। एंड 40 ग्राम इसका प्रोडक्ट क्वान्टिटी है। और शेड मैंने लिया है 02 वॉर्म पिंक। इसमें टू शेड्स आते हैं गाइस, सॉफ्ट पिंक एंड वार्म पिंक। सॉफ्ट पिंक फॉर फेयरर स्किन टोन के लिए होता है, और वार्म पिंक जो होता है वो थोड़ा सा डस्की स्किन और विटिश स्किन के लिए होता है। बट ऐसे जिसमें और उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये वाला शेड भी फेयरर टोन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल यही परचेज़ किया है, सॉफ्ट पिंक नहीं परचेज़ किया है। मैं इसे इस्तेमाल करके दिस इज़ माई फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो। मैंने अभी तक दूसरे लूज पाउडर्स इस्तेमाल किए थे, कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल किए थे। मैंने लैक्मे का ये रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, और मैं इसकी जो पैकेजिंग है वो आप ही के सामने ओपन करूँगी। सो देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। और उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसमें इसके इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, बट ऐसा स्किन टाइप का ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। काफ़ी अफोर्डेबल है दूसरे कंपैरेटिवली रोज़ पाउडर के काफ़ी अफोर्डेबल है। और मैंने इसका वाइटनिंग रोज़ पाउडर जो आता है मैट फिनिश लुक देने का, वो इस्तेमाल किया है इससे पहले लैक्मे का, और बहुत अच्छा लगा मुझे वो, स्पेशली इन समर्स। सो मैंने इसे भी परचेज़ किया है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। और मैंने इसे इस तरह से ये ओपन किया है, इस तरह से इसका बॉक्स है। यहाँ पर स्पंज है, स्पंज काफ़ी अच्छा है। इस स्पंज की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसके जो ये कॉर्नर्स है, जब हम अपनी आँखों पर इस तरह से यहाँ अप्लाई करते हैं तो इसके कॉर्नर्स कहीं ना कहीं हमारे स्किन को चुभते हैं। बट अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो हम इसे इस तरह से प्रोडक्ट अच्छा है तो हम कोई और स्पंज भी परचेज़ कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। बट अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके आइज़ पर चुभे ना। सो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। इस तरह से ये सील्ड पैक आता है, यहाँ पर कुछ छेद होते हैं और ये इस तरह से रोज़ पाउडर अंदर होता है, और आई थिंक हम इसे ओपन कर सकते होंगे। जी हाँ, पहले हम सील्ड पैक ओपन करते हैं, फिर उसके बाद इसे ओपन करके देखेंगे। तो चलिए मैं सील ओपन कर देती हूँ। यू कैन सी मैंने इस तरह से ये सील ओपन कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से 5 होल्स हैं जिनसे क्वांटिटी ऊपर आएगा। सो आप देख सकते हैं इस तरह से ये प्रोडक्ट क्वांटिटी ऊपर आ चुकी है। और हम इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। दिस इज़ द प्रोडक्ट, और अपने हैंड्स पर अप्लाई करती हूँ मैं इसे। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ। और एज सच इसका थोड़ा सा पिंक कलर आपके फेस पर आ चुका है। यू कैन सी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है स्किन में, और बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी लगी है स्किन में। और आपके फेस और नेक एरिया के लिए जो प्रोडक्ट मैंने लिया वो काफ़ी इनफ है, और ये कहीं ना कहीं आपके स्किन को थोड़ा सा लिटिल बिट ड्राई बनाता है। सो आप इसे समर्स में ही इस्तेमाल करें, विंटर्स में इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी जिनकी ड्राई स्किन होती है उन लोगों को, वो लोग वैसे भी कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर इस्तेमाल कम ही करें तो अच्छा है। बट जिन लोगों का टी जोन ऑयली रहता है या फिर अदर फेस ऑयली रहता है, वो तो 100% इसे इस्तेमाल करें। दिस इज़ वेरी नाइस फॉर योर स्किन। आपके मेकअप को लंबे टाइम तक स्टे करके रखता है, आपके हैंड पर इजीली ब्लेंड हो जाता है। और अगर आप मेकअप नहीं भी करती हैं तो आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं तो जो मेरा वाइट लूज पाउडर है मैं उसे डेली में ही इस्तेमाल करती हूँ विंटर में आफ्टर मॉइस्चराइजिंग, ताकि मेरा मॉइस्चराइजर जो है लंबे टाइम टिका रहे और मुझे मैट फिनिश मिले फेस पर, बिकॉज मैं एवरीडे मेकअप करके ऑफिस नहीं जाती हूँ। सो दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट दिस पैकेज। और अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अगर आपके यहाँ पर आप इस तरह से इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, उप्स काफ़ी सारी क्वांटिटी आ गई है, यू कैन सी इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट द लैक्मे लूज पाउडर। और
और यहाँ से क्या होता है कि इससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, कॉम्पैक्ट पर भी उतना आपके इस पे स्पॉन्ज पे भी उतना ही लगेगा जितना रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ माय रिव्यू अबाउट लैक्मे रोज़ पाउडर एंड दिस इज़ वेरी नाइस। ऑयली स्किन वाले इसे ज़रूर परचेज़ करें, वो बहुत अफोर्डेबल है, सो आप परचेज़ कर सकते हैं इजीली, डेली यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ माय रिव्यू अबाउट द रोज़ पाउडर, लैक्मे रोज़ पाउडर। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें।